सभी किसान भाइयों को एग्रो स्टार के एग्री डॉक्टर चिन्मयानंद शुक्ला का नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि कपास की फसल में लगने वाले थिप्स या जू का नियंत्रण हम अपने कपास की फसल में कैसे करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि कपास की फसल में गुड़िया या फूल तथा टिंडे गिरने की समस्या से हम अपने कपास की फसल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह समस्या किसी एक कारकवश नहीं होती है, इसमें विभिन्न कारणोंवश यह समस्या आपके कपास की फसल में देखी जा सकती है। जैसा कि किसान भाइयों, यह जो अवस्था होती है कपास की, वृद्धि विकास के साथ साथ फूलों एवं टिंडों का भी विकास होता है। इस अवस्था में कपास को पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। इसमें खाद एवं उर्वरक पोषक तत्वों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तथा पोषक तत्वों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण फूल एवं फल एवं टिंडे गिरने की समस्या देखी जा सकती है। किसान भाइयों, वातावरण या जलवायु में परिवर्तन के कारण कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है इस समय, जिनके कारण यह प्रकोप अधिक बढ़ने पर पोषक तत्वों के प्रवाह में यह बाधा डालता है, जिसके कारण पौधे अपना सुचारू रूप से पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिनके कारण गुड़िया तथा फूल गिरने की समस्या आपके कपास की फसल में देखी जा सकती है। और किसान भाइयों, दूसरी एवं बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फूलों के खिलते समय अधिक तापमान या अधिक बारिश के कारण पौधे में परागण क्रिया सुचारू रूप से ना होने के कारण भी यह समस्या आपको अपने खेत में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, सबसे मुख्य कारण और यह भी है कि जिन खेतों को देर से बिजाई की जाती है या देर से बिजाई जिन खेतों में होती है और बारिश के समय पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होना तथा आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी ना होने के कारण भी यह समस्या आपको अपने खेतों में देखने को मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, आपको अपने खेत की निगरानी करना पड़ेगा तथा रोग एवं कीटों के उपद्रव पर ध्यान देना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको अल्फा नेप्थलिक एसिड 4.5 SL 88.8 ml 400 लीटर पानी में खोल बनाकर अच्छी प्रकार से पेड़ों पर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा यह सुझाव आपको पसंद आया तो हमें लाइक करके अवश्य बताइएगा और अपने किसान भाइयों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कपास की फसल में लीफ कर्ल वायरस के नियंत्रण के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।